हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज हिंदी व्याकरण में आपका जो अगला टॉपिक है विशेषण, शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं आखिर विशेषण कहते किसे हैं और इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो हम सभी देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात आती है विशेषण के कितने भेद होते हैं, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो होते हैं वो आपके चार प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से विशेषण चार प्रकार के होते हैं और कई बार आपका एग्जाम में प्रश्न बना है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है और आपका चौथा है संख्यावाचक विशेषण। कुल चार विशेषण होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार आदि की विशेषता बताए या आदि का पता चले उन्हें क्या कहेंगे हम? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी रंग रूप के बारे में या गुण दोष के बारे में या उनके आकार प्रकार के बारे में बताए तो वहां पर आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वे विद्वान व्यक्ति हैं। अब इसमें विशेषण क्या है? विद्वान है। क्या विशेषण है? विद्वान है। यानी व्यक्ति तो हैं लेकिन उनकी विशेषता क्या है? वो कैसे हैं? विद्वान हैं। आगे है नंबर दूसरा है श्याम हरी कमीज पहने हैं। अब इसमें विशेषण क्या है हमारा? हरी। ठीक है, तो हरी क्या है हमारा? विशेषण। यानी कमीज तो है लेकिन उनकी विशेषता क्या है? वो हरी है। तो यहां पर अगर इनकी गहराइयों में और पूछा जाए कि बताइए इसमें गुणवाचक विशेषण का कौन सा रूप है, तो यहां पर विद्वान क्या होता है? गुण होता है, तो गुण बोधक हो जाएगा। यहां पे हरी क्या है? रंग है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? रंग बोधक हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो गुणवाचक विशेषण में क्या होते हैं? रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष इनका बोध किया जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण का बोध हो, मात्रा या क्षमता का पता लगे, वहां पर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे थोड़ी चाय दो, या परिमाण को हम अगर समझें तो परिमाण का अर्थ होता है जिसे हम गिन नहीं सकते, केवल मापा या फिर तौला जा सकता है, तो वहां पर क्या हो सकता है आपका? परिमाणवाचक। जैसे मुझे थोड़ी चाय दो, अब क्या इसमें चाय को गिना जा सकता है? नहीं। तो यहां पर ये क्या है? परिमाण है। अब विशेषण की बात करें तो यहां पर विशेषण क्या है? थोड़ी। थोड़ी क्या है हमारा? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है पूछे तो कौन सा है आपका? परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है एक मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, तो यहां पर विशेषण की बात करें तो क्या है? एक मीटर। ठीक है, यानी कपड़ा तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? कि वो एक मीटर है। अब कपड़े को गिना जाता है? नहीं, मापा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी में आपके एक निश्चित भी होते हैं और अनिश्चित भी होते हैं परिमाणवाचक। निश्चित क्या होते हैं? जैसे लिखा हुआ है आपका कि एक मीटर कपड़ा निश्चित है और मैंने कह दिया कुछ कपड़ा, तो कैसा है वो? अनिश्चित है। निश्चित नहीं है एक मीटर है, दो मीटर है, चार मीटर है, वहां पे कह दिया कुछ। इसी प्रकार अनिश्चित, जैसे मुझे थोड़ी चाय दो, अब थोड़ी क्या है? निश्चित है या अनिश्चित है? यहां पर अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ठीक है, और एक मीटर कपड़ा कैसा है? वो आपका निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। नंबर तीन आगे बढ़ेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर जितने भी आपके सर्वनाम हैं तो किसमें प्रयोग किए जाएंगे? आपके सार्वनामिक विशेषण में। और कैसे होंगे वो भी समझते हैं। जैसे वाक्य लिखा हुआ है यह आदमी विश्वासी है। अगर मैं बात करूं यहां पर, यह जो है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आप कहोगे सर सर्वनाम है, सर्वनाम भी है लेकिन सार्वनामिक विशेषण कैसे होगा? जब
आपके, यह है, वह है, ये, वे किसी संज्ञा के साथ आए, यह है, वह है, ये, वे अगर किसी संज्ञा के साथ आ रहे हैं तो आपके क्या कहलाएंगे, विशेषण। और अगर ये अलग आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके सर्वनाम कहलाएंगे। इसी प्रकार जैसे लिखा हुआ यह है आदमी विश्वासी है, अब आदमी क्या है, हमारा संज्ञा है और संज्ञा के साथ ही आ रहा है यह है। तो यहां पर यह जो है वो हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ना कि ये सर्वनाम है। उसी प्रकार आपका दूसरा है मेरा घर इसी शहर में है, यहां सार्वनामिक विशेषण होगा आपका मेरा, क्यों, घर आपकी जो है वो संज्ञा है, तो यहां पर आपका ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हुआ कि जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नंबर आपका चार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जिनकी संख्या का बोध हो, यानी किसी संज्ञा की संख्या का बोध हो, तो वहां आपका क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक आपके निश्चित भी होते हैं और अनिश्चित भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां तीन बालक और चार बालिकाएं हैं। अब यहां पर बालक तो हैं लेकिन उनकी विशेषता क्या है, कितने हैं, तीन हैं। बालिकाएं तो हैं, विशेषता क्या है, चार हैं। तो ये कैसे हैं आपके, संख्यावाचक विशेषण हैं। आगे है तीसरा आदमी कहां है, तो ये यहां पर कैसा है, निश्चित है या अनिश्चित है, तो यहां पर आपका क्या कहलाएगा, ये अनिश्चित, यानी तीसरा आदमी कहां है। जैसे मैंने कह दिया कुछ बालक, तो यहां पर संख्यावाचक तो है लेकिन निश्चित नहीं है, कैसा है, अनिश्चित है। यहीं अगर मैंने कह दिया कि चार बालक, तो कैसा है वो, तो निश्चित संख्यावाचक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और पॉइंट होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। विशेष्य, आखिर विशेष्य क्या होता है, विशेष्य वो होते हैं जो विशेष, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे श्याम हरी कमीज पहने है, अब मैं बात करूं इस वाक्य में बताइए विशेष्य क्या है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा, कमीज आपका क्या है, विशेष्य है, ना कि आपका श्याम, क्यों, यहां पर कमीज की विशेषता बतलाई जा रही है ना कि श्याम की। क्लियर हुआ, विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उन्हें कहेंगे विशेष्य। आगे पॉइंट है आपका नंबर दो, प्रविशेषण क्या होते हैं। प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते, यानी विशेषण की भी विशेषता बतलाई जाए उन्हें कहेंगे प्रविशेषण। जैसे मीना बहुत सुंदर लड़की है, अब यहां पर सुंदर तो आपका विशेषण है, अब विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, सुंदर तो है लेकिन कैसी है, बहुत, तो यहां पर बहुत जो शब्द है वो आपका क्या है, प्रविशेषण है। क्लियर हुआ, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाएं वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण। क्लियर हुआ, इसी में थोड़ा एक और पॉइंट है आपका, विशेषण की तुलना अवस्थाएं। तो विशेषण की आपकी कुल तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, ठीक है। और उत्तमावस्था क्या होता है, किन्हीं दो व्यक्तियों वस्तुओं में आपस में तुलना की जाती है। और उत्तमावस्था में क्या होता है, सभी से, यानी जितने भी हैं सभी से तुलना की जाती है, यानी दो से अधिक। जैसे यहां पर मैंने कह दिया मूलावस्था में राम अच्छा लड़का है, तो यहां पे अच्छा जो मूलावस्था है। और अगर मैंने ये कह दिया राम मोहन से अच्छा लड़का है, तो वहां पे उत्तरा, यानी दो की व्यक्तियों की बात की जा रही है। और मैंने कह दिया राम सबसे अच्छा है, तो वहां दो से अधिक की बात की जा रही है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, उत्तरावस्था में बाद में तर लगा देते हैं, उत्तमावस्था में तम लगा देते हैं। जैसे मूलावस्था है आपकी अधिक, अधिक की उत्तमावस्था क्या बनेगा, अधिकतम। और उत्तरावस्था क्या बनेगा, अधिकतर। इसी प्रकार उच्च का उत्तरावस्था आपका उच्चतर और उत्तमावस्था उच्चतम। इसी प्रकार आपको कोमल का आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में
कोमल की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होगी, सुंदर की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताना है। क्लियर हुआ? तो आपका जो विशेषण टॉपिक है यही आपका कंप्लीट होता है, और जिससे इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।